हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ हिंदी मीडियम मैथ। अपना चैप्टर चल रहा था 15.3। तो हमने 15.3 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए थे। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो, हमें एक आकृति दी गई है ABMC, जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का ये चतुर्थांश है, तथा BC का व्यास मानक एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें जो चित्र दिया गया है वो ये एक ऐसे वृत्त है, ये क्या है, एक त्रिभुज, ये यहाँ से एक ऐसे, ये तो क्या हो गया, एक त्रिज्याखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्याखंड। लेकिन जो ये है इससे ही एक अर्धवृत्त खींचा गया है। क्या खींचा गया है? अर्धवृत्त। और इस पार्ट को क्या कर दिया गया है? छायांकित। और हमें ये लिख के क्या दिया गया है, ABCMN। तो हमें जो निकालना है वो इस छायांकित पार्ट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखो, चित्र को अच्छे से देखो, चित्र अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी। देखो, हमें जिस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है ना, वो ना तो हमें ये दिया गया कि ये क्या है, अर्धवृत्त का भी हाफ, यानी क्या है, चतुर्थांश एक वृत्त का, है ना, ना ही हमें कुछ, हमें केवल ये दिया गया कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, चतुर्थांश है, है ना। लेकिन इसका तो हम किससे भी निकाल सकते हैं, त्रिज्याखंड वाले से भी निकाल सकते हैं, है ना। इसका सूत्र, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, त्रिज्याखंड वाले सूत्र फॉर्मूले से भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। या फिर चतुर्थांश बोल दिया गया है तो पाई आर स्क्वायर में किसका भाग देके, 2 का भाग देके भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, फिर उसमें से इसको माइनस करके इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। कौन से वाले का? ये वाला जो एक खाली पोर्शन है ना, इसका क्षेत्रफल। फिर हमें ये अर्धवृत्त है, ये हमें दिया गया है कि ये जो पूरा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, अर्धवृत्त। तो फिर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, है ना। तो देखो, एक बार हमें ये क्षेत्रफल निकालना है पूरा, फिर एक बार हमें ये क्षेत्रफल, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ये माइनस करना है, एक पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट है हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे के क्षेत्रफल में से हमें इसका क्षेत्रफल माइनस करना है, फिर जाके क्या निकल के आएगा अपने पास, ये जो पोर्शन है इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो, अब हमें इसमें जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी दी गई है, हमें जो त्रिज्या दी गई है वो त्रिज्या है इसमें 14 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये कितना है? 14 सेंटीमीटर, और ये है 14 सेंटीमीटर, ये है त्रिज्याखंड। ये त्रिज्याखंड है तो ये कितने डिग्री का है? 14 सेंटीमीटर का हमें दिया गया है। और इसमें साथ साथ हमें कहा गया है कि ये जो आकृति है ABMC, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। क्या है? एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। तो चाहो तो इसको वृत्त के चतुर्थांश करके निकाल लो, चाहे तो इसको किससे निकाल लो, जो अपन ने किससे निकाला था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से निकाला था ना, उससे भी निकल जाएगा। तो देखो, इसका क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो त्रिज्या खंड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या करके निकाल सकते हैं, वृत्त का ये क्या है, चतुर्थांश है, है ना। तो देखो, अब यहां से लिखते हैं त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले निकालते हैं ABMC का क्षेत्रफल। तो ये क्या चतुर्थांश है, किसका, वृत्त का, क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो, पाई आर स्क्वायर बटे में 4, भाई चतुर्थांश है तो 4 का भाग दे देते, अर्धवृत्त होता तो 2 का भाग दे देते। तो देखो कितना आएगा, 22/7 गुना 14 × 14, और बटे में 4 है तो इसमें भी क्या, 4 से भाग, तो ये 4 कहाँ आएगा, यहाँ। तो देखो, 7 से इसको काट दिया 2 बार, 2 से इसको काट दिया
दो बार इसको काट दिया 11, तो 11 ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका भाग? यहां से यहां तक, ये पूरा है ना जो एक खाली खाली दिख रहा है उसका एरिया आ गया। देखो चाहो तो तुम इसको किससे निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 से। यहाँ थीटा का मान कितना है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो देखो मान रख दो 22 बटे 7 गुना 14 गुना 14 गुना में 90 बटे में 360, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 2 बार, ठीक है। इस 2 से इसको 2 और इसको 11, तो वही 11 गुना 14 कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी निकाल सकते हो, या तो पाई आर स्क्वायर बटे में 4 कर देना, या फिर जो अपने पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। बस ये याद रखना है कि थीटा यहाँ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब निकालते हैं हम क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुना लंबाई, ठीक है। तो 1/2 14 गुना 14, ये कट गया 7 बार, तो 7 चौके 28 और ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पता है किसका क्षेत्रफल आया, ये आ गया ए बी सी का। अब हम निकाल लेते हैं किसका, बी सी एम का क्षेत्रफल, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्रम से चलेंगे, सबसे पहले इसका भाग, इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर इसका क्षेत्रफल निकाला, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे लिख लो, बी एम सी का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, पहले हमने निकाला था ए बी एम सी क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो 154 में से माइनस करेंगे कितने, 98 में, जब कितना आएगा ये आ जाएगा, मान लो 100 करते तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास, आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखो ये क्या है, लंब आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो हम कर्ण निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास आ जाएगा। इसमें उसने कहा है कि ये जो है ना, इसको व्यास मानकर ये हमने अर्धवृत्त बनाया है। तो ये बीसी क्या है, व्यास है, तो हमें बीसी का मान निकालना है। तो बीसी का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, कि बीसी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये हम सबको पता है। तो बी सी क्या है, देखो ये तो है 14 प्लस 14 का अंडर रूट, तो बी सी बराबर 14 और 14 कितना होता है 200, मतलब इसका स्क्वायर कितना होता है 14 का, 14 का स्क्वायर होता है 256 सेंटीमीटर। कितना होता है, 256 सेंटीमीटर ही होता है ना। तो अपन इस 14 का स्क्वायर कर देंगे 256, और उसका भी कितना हो जाएगा 196। 256 कितने का होता है, 156 होता है 16 का ना। तो देखो 14 का कितना होता है 196, कितना होता है 196, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196। तो 196 प्लस 196, तो देखो ये हो जाएगा 2 गुना 196, तो बी सी बराबर आ जाएगा, देखो 2 अंडर रूट में, ये तो 2 अंडर रूट में ही रहेगा, 196 का क्या होता है 14 होता है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो बी सी बराबर कितना आ गया 14√2। तो त्रिज्या यही लिख लेता हूँ मैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7√2, ये दिख रहा है ना, त्रिज्या कितनी हो गई अपनी, त्रिज्या हो गई 7√2। अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इधर मैं लिख देता हूं, अर्धवृत्त यानी कि बी एन सी, क्या है, बी एन सी का क्षेत्रफल।
कैसे निकालेंगे हम, एक बटे दो पाई आर स्क्वायर। तो एक बटे दो, पाई का मान कितना है, पाई का मान वही 22/7, और आर का मान कितना है, 7√2 और 7√2, यानी कि 7 × 49 = 2 49 × 2। तो देखो 7 से ये कट गया 7 बार, 2 से ये 2 बार, तो 7 × 2 = 14 और 7 × 2 = 14 और 1 = 15 कितना आ गया, 154 cm². अब हम 154 में से क्या माइनस करेंगे, 56 माइनस करेंगे, जब अपने पास किसका आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा, किसका भाग आएगा, छायांकित भाग, यानी ए एम सी एन, है ना, हमसे पूछा भी यही गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग कीजिए, तो हम क्या निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त में से माइनस कर देंगे बी एम सी का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बी एन सी में से माइनस करेंगे किसका, ये जो अपन ने निकाला था ना, कहाँ गया, बी एम सी का, बी एम सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो अर्ध, ये अपने पास कितना आया था, अर्धवृत्त आ गया अपने पास 154 और ये अपने पास था 56, तो आ जाएगा 98 cm². किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है ना, लोग बाग इसमें कई बार चक्कर खा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, है ना, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा इसमें अलग से जो तुम्हें नहीं आता हो, बस याद, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये अर्धवृत्त है, देखो ये पूरा क्या है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में से हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये जो वाला पार्ट है ना, ये खाली वाला पार्ट है, ये इन दोनों के बीच का, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाल दिया कितना, 154 cm, उसके बाद फिर हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया 98 cm, अब इस पूरे क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, कितना आ गया, 56 cm, फिर हमने इस अर्धवृत्त का निकाल लिया 1/2 πr², तो इस अर्धवृत्त का आर कहां है, देखो इस वाले, इसका आर तो 14 था उसमें दिया गया है, लेकिन अब ये व्यास है और ये अर्धवृत्त है, तो हमें ये व्यास निकालना होगा, व्यास आया अपना 14√2, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 7√2, बस ये जरूर ध्यान रखना कि इस वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी पड़ेगी, तो त्रिज्या निकल गई, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो क्षेत्रफल था ना बी एम सी, हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, अर्धवृत्त बी एन सी में से हमने क्या माइनस कर दिया, बी एम सी माइनस कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 98 cm², ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 8, तो देखो क्वेश्चन 8 में भी हमें क्या गिवन है, एक डायग्राम दिया गिवन है, दिया गया है हमें डायग्राम दिया गया है, एक यहाँ एक क्या बन रहा है, ये एक 90 डिग्री का कोण है, है ना, और ए बी सी, और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है 6 और बी सी दिया गया है 8, तो ए सी बराबर 6 cm और बी सी बराबर 8 cm, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम,
त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सरल सा है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक बटे दो आधार गुना लंबाई। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक आधार और एक क्या हो गया, लंब हो गया। 90 डिग्री का कोण होता है जब, तो बिल्कुल निकालने की जरूरत वो नहीं है, टेंशन है ना क्षेत्रफल निकालने का। तो एक है 6, एक है 8, इसको काट देंगे 4 बार, तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या। तो देखो जो ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है ना। तो हमें क्या निकालना है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, ठीक है। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर वही ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, है ना, वही। देखो 90 डिग्री का कौन है, आधार, लंब और कर्ण, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कर्ण होता है। तो ए बी बराबर छकनक 36 प्लस में 64, कितना हो गया 100 का अंडर रूट बराबर आ गया 10। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, तो 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या आ गई है, ये अपने पास आ गई वृत्त की त्रिज्या। अब निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुना 5 गुना 5, तो ये काटेंगे जब कितना आएगा 3.14 गुना 25, कितना कर देते हैं हम, देखो 7 इसमें 3.14 इसका मान हो ही जाएगा, उसमें फिर किसका भाग दे देते हैं 25 का। तो देखो 25 का इससे गुना करेंगे जब कितना आ जाएगा, देखो 25 का इससे गुना करके देखते हैं, 25 चौके 100, 0 हासिल लगी 10, 25 एकम 25 और 10 35 को 5 का हासिल लगी 3, और 25 दिया 75 और 3 78.50, कितना आ गया अपने पास, आ गया 78.50, ठीक है। तो देखो 78.50 तो आया है वृत्त का, अब हमें निकालना किसका है, छायांकित भाग का, किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 78.50 में से माइनस कर देंगे कितना 24, है ना। देखो अपने ऊपर निकाल रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे निकाल लिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें से 24 माइनस करेंगे जब आ जाएगा 54.50, कितना आ जाएगा 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पॉइंटों में अगर थोड़ा बहुत कोई फर्क आ जाए ना, जैसे 50 की जगह कुछ और आ रहा हो, 51, 52, 53, 54, 55, है ना, कुछ भी थोड़ा बहुत, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है, एक चित्र दिया गया है, हमें उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा मैं एक चित्र
दिया गया है ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो, दी गई आकृति छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी भुजा 10 सेंटीमीटर का क्या है, एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। इन वर्गों की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? अर्धवृत्त। जो इनकी भुजाएं ना, उनको क्या माना गया है? व्यास मान लिया गया। तो ठीक है, तो व्यास मान के क्या खींचे गए हैं? अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो हमें इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, ये देखने में ही थोड़ा ऐसा लग रहा है कठिन है ना, लेकिन देखो है क्या, ये एक क्या है, वृत्त है 10 सेंटीमीटर का। क्या है? 10 सेंटीमीटर का। तो इसको व्यास मानकर, जैसे इसको व्यास मान लिया और क्या खींचे गए, अर्धवृत्त। एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा, एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा, ठीक है। अब यहां से एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा और एक अर्धवृत्त ऐसे खींचा, तो ये इन छायांकित भाग हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये एक अर्धवृत्त है। क्या है? ये एक अर्धवृत्त। इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? एक अर्धवृत्त। और इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? एक अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिलकर क्या बन जाते हैं? वृत्त बन जाते हैं, एक है ना। तो ये जो इन चारों का जो छायांकित भाग है ना, ये एक वृत्त के बराबर है। किसके बराबर है? वृत्त के बराबर। जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखो ये व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। और भुजा हमें कितनी दी गई है? तो 10 × 10 = 100 cm². चाहो तो यहां लिख लेना, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। किसका हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। देखो, अब वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो खाली हिस्सा है, हम इसका क्या निकाल दें? क्षेत्रफल माइनस कर दें। क्या कर दें? क्षेत्रफल। तो देखो ये क्या है, एक बार इसको दोबारा समझो। देखो, वर्ग है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। देखो ये ऐसे खींचे गए, क्या दो अर्धवृत्त तो ये खींचे गए और दो अर्धवृत्त इधर से ऐसे खींचे गए, ठीक है। तो अब जो देखो, ये कितना है, अर्धवृत्त का भी आधा, ये भी अर्धवृत्त का भी आधा, ये भी अर्धवृत्त का भी आधा और ये भी अर्धवृत्त का आधा। और ऐसे ही जो ये हिस्सा बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है, ये जो एक वृत्त है ना, जितना एक वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही ये हिस्सा क्या है, इसमें बचा हुआ है। देखो ये यहां से यहां तक अर्धवृत्त, ये यहां से यहां तक अर्धवृत्त, ये यहां से यहां तक अर्धवृत्त और ये यहां से अर्धवृत्त, ठीक है। तो आधा हिस्सा गिर गया और आधा हिस्सा क्या हो गया? खाली हो गया, है ना। तो हमें क्या करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो उन अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल केंद्र ओ, है ना, तो इसकी कितनी है? सीधा सा हो जाएगा, है ना, केस का क्षेत्रफल है। तो देखो हमें छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? छायांकित भागों का क्षेत्रफल। तो छायांकित भागों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो ये तो अपने पास किसका आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो एक बार अच्छे से, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो ये एक ऐसे वर्ग बना हुआ है और ये एक ऐसे वर्ग, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर डालते हैं, जैसे देखो ये तो है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4th, ठीक है। अब देखो ये तो है नंबर 1 और ये क्या है? नंबर 2, 1 और 2, ठीक है। अगर हमें इन दोनों का एरिया निकालना है तो देखो ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सेमी सर्कल क्या हो गया? सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल हो गया। तो हम केवल देखो ये वाला पार्ट लिया है हमने, केवल एक ये सर्कल बनाया और ये ऐसे, ये जो दो बन रहे हैं ना अभी, इन सर्कलों को हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं के भाग 1 व भाग 2 का क्षेत्रफल, है ना, भाग 1
व दो का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो इसके में से वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे दो अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल। भाई दो अर्धवृत्त हैं, देखो उसने कहा ये अर्धवृत्त हैं, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम वर्ग के इसमें से माइनस कर देंगे। तो 100 में से माइनस कर देंगे दो गुना, दो अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्या होता है 22/7 गुना 5 गुना 5। तो त्रिज्या हम मैंने पहले बताई दी, देखो ये यहां से यहां तक 10 है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। चाहो तो यहां से लिख भी सकते हो वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 2 से तो 2 ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3.5, तो ये आ जाएगा 100 में से माइनस करेंगे 3.14 गुना 25। ठीक है, तो 100 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, पता अभी अभी उन्होंने किया था इसका, ये कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना हमने उसमें इसको सॉल्व किया था, तो ये आया था 78.5 सेंटीमीटर। कितना आया था 78.5, तो ये आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया भाग एक और भाग दो का। अब देखो हमें 3 और 4 का निकालना है, तो देखो तीसरा ऐसे और ये ऐसे, तो देखो ये तो है तीसरा और ये है चौथा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर सेम ऐसे ही, देखो ऐसे ही और ऐसे ही माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि देखो अब तो अभी तो हमने किसका निकाला था एक और दो का, ऐसे बनाया था ना कि ऐसे और ऐसे, इससे निकल गया एक और दो का। अब हम कैसे बनाएंगे केवल ऐसे, इसको ऐसे और ऐसे, अब हमें निकालना है तीसरे और चौथे भाग का, तो वही वर्ग के में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे दो वृत्तों का, तो सेम कितना आ जाएगा 21.5। तो भाग 3 व 4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी कितना होगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम ऐसे ही, है ना। देखो अब हमें इन दोनों का निकालना है, तो वर्ग में थे ये दो वृत्त अर्धवृत्त क्या कर दिए माइनस कर दिए, और जब हमें इन दो का निकालना था तो वृत्त में से इन दो के माइनस कर दिए, तो एक बार तो इन दोनों का क्षेत्रफल आया और एक बार इन दोनों का क्षेत्रफल आया, तो ये खाली जगह का क्या आ गया अपने पास क्षेत्रफल आ गया, तो खाली जगह का क्षेत्रफल कितना हो गया, है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे कितना भाग 1, 2, 3, 4 का क्षेत्रफल, भाग 1, 2, 3 व 4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना 100 माइनस 21.5 और 21.5 43, कितना आ गया 43, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आंसर। हमने क्या किया है इस वाले जो चित्र है ना, पहले तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसे इस वृत्त में से, देखो ये एक बन रहा है ना, ये एक आधा सर्कल, ये एक आधा सर्कल, माइनस कर दिया तो किसका आ जाएगा, पहले इन दोनों का निकाला, तो देखो ये आधा सर्कल ऐसे और ये आधा वृत्त, है ना, अर्धवृत्त, है ना, देखो ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, ये एक अर्धवृत्त बन रहा है और ये एक अर्धवृत्त बन रहा है, तो इस वाले क्षेत्रफल में से वर्ग में से जब दो अर्धवृत्त माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसी वर्ग में से एक बार ये वाला अर्धवृत्त और एक बार ये वाला अर्धवृत्त माइनस कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, तो इसका 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 और इसका इन दोनों का चारों का क्षेत्रफल क्या आएगा
बराबर बराबर आएगा। जैसे इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आया 21.5, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी कितना आएगा 21.5। अब हम इन दोनों को जोड़ के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, तो किसका भाग, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से जब क्या माइनस कर देंगे हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको ना, ये चित्र को दो तीन बार समझाया मैंने, इस चित्र को अच्छे से समझना और फिर इसको लिखना, साथ साथ कॉपी बनाते चलना है ना, ताकि ये दोबारा मेहनत ना करनी पड़े हमें, एक बार में ही काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, देख क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक अर्धवृत्त दिया गया, क्या दिया गया, एक अर्धवृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक और वृत्त है, तो इसकी हमें त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, और हमें थोड़ी कुछ दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो ये यहां से यहां तक कितनी है 7 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, यहां तक, ठीक है, और ये भी तो क्या है, एक त्रिज्या ही है वृत्त की। देखो ये एक अर्धवृत्त है ना, हम केवल इतना ही लिखते हैं, देखो ये अर्धवृत्त है एक, तो ये इसकी त्रिज्या है, तो ये भी इसकी क्या है, एक त्रिज्या ही है, और इस त्रिज्या पे अब क्या बना हुआ है, एक ऐसे वृत्त बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, कितनी हो जाएगी 3.5, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, इसको काट देंगे 0.5, 0.5 से 11 का गुना करेंगे 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 11×5 55 और 11×3 33 और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अब देखो इसे करेंगे कैसे, लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और जो इसके अंदर वृत्त बना गया है ना, उसकी क्या है वो उसका क्या है वो व्यास है, क्या है व्यास है, तो अर्धवृत्त में वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमें। तो देखो अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास कितना होगा, जितनी इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त अर्धवृत्त में बने बने वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, वही पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, अभी हमने गणना कर ली थी, देखो ये हो जाएगा 0.5, 0.5 से इसका गुना करेंगे तो 11 गुना 3.5 कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये बस चित्र समझने का है कि देखो ये यहां से यहां तक तिर जाए, तो ये यहां से यहां तक भी तिर जाए, इस अर्धवृत्त की तो ये क्या है तिरजा, और इसके अंदर बने वृत्त का ये क्या है व्यास, तो इस ये व्यास क्या बन गया, इसकी इसकी तिरजा अर्धवृत्त की तिरजा छोटे वाले वृत्त का क्या है व्यास है, तो इसका हम तिरजा निकाल लेंगे 2/2 करके, तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, अपना आंसर आ गया 38.5। ठीक है, तो अब देखो 11वां जो क्वेश्चन है वो है, अब अपने क्या है ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए, इनमें ए बी सी डी हमें दिया गया है कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्त की परिधियों का योग क्या है R है, क्या है R है, तो दोनों वृत्त की परिधि के दोनों वृत्त की क्या है परिधि के बराबर हों, तो सही विकल्प क्या है, तो देखो सही विकल्प सीधा सीधा सा है, R क्या दिया गया है उसने R1 प्लस में
आर टू, देखो इसने कहा है कि आर वन व आर टू त्रिज्याओं वाले दो वृत्त की परिधियों का योग क्या है, आर है, तो परिधियों का योग आर है, तो कैसा होगा, आर वन प्लस में आर टू बराबर आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन सही है ए, है ना, आर बराबर आर वन प्लस में आर टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 12 के 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो हम ऐसा एक क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो देखो यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, ये क्या है, एक वृत्त है, है ना, इसके अंदर क्या है, मतलब एक वर्ग है, वर्ग के अंदर है वृत्त, इसकी है 14 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त का व्यास कितना हो गया, वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर, परिधि निकालनी है, क्या निकालनी है, परिधि किससे निकालेंगे, 2πr से, है ना, तो 2 × 22/7 × 7 × 7 = 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 12वें का आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन 12वें का आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है क्या, बी, क्या दिया गया है, ऑप्शन बी। तो ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12वां कंप्लीट, ठीक है। तो जो अपनी एक्सरसाइज थी 15.3 क्या हो गई, खत्म हो गई। तो देखो इसमें जो प्रश्न है ना 7वां और 9वां, है ना, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है ना, तो इनके चांस रहते हैं आने के, ठीक है। तो अपनी 15.3 क्या हो गई, खत्म। अब देखते हैं इसमें विविध है क्या नहीं है, हाँ, तो देखो इसमें जो विविध प्रश्नावली है तो हम 15.3 अपनी क्या हो गई, खत्म। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना, हर एक चित्र को अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें विविध प्रश्नावली नहीं है ना, तो विविध नहीं है, तो अपनी ये 15वीं प्रश्नावली खत्म हो गई। तो अपनी देखो 6, 7, 8 और 15 तीनों प्रश्नावली खत्म हो गई, ठीक है। चार प्रश्नावली हो गई, चार प्रश्नावलियों का अच्छे से रिवीजन करते रहना, है ना, क्योंकि अब तुम्हें साइंस और मैथ ही पढ़नी होती है, तो साइंस और मैथ के लिए अच्छा खूब टाइम दो, और जितना हो सके उतना अभी इन छुट्टियों में ही तुम इसको कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज होगी 15.3 खत्म, और क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को अच्छे से करना। फिर भी अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो में केवल इतना ही।